जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके बैंकिंग में, जिसमें बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड सभी जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट, जो कि ग्राहक सेवा केंद्र होता है, किसी भी बैंक का लेना चाहते हैं और आप 2-3 दिन या 1-2 महीने से परेशान हैं, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो रियल तरीका है वो क्या है, आपको CSP लेने का रियल तरीका, जो CSP लेने का क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में वही के बारे में बात होगी। तो दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो बहुत परेशान हैं आप लोग, गूगल पे वेबसाइटों के पीछे परेशान हैं, वेबसाइटों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये आप लोग ये जो काम है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे गूगल पे जा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब वाले का वीडियो देख रहे हैं, उसमें ऐसा वैसा बताया जा रहा है कि साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, आपको फ़ोन आएगा, ऐसा वैसा इनका पैसा लगेगा ऐसे ऐसे। तो दोस्तों मैं आपको रियल बात बता दूँ तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन का होता है, 1 रुपये भी फीस नहीं लगता है रजिस्ट्रेशन का। और दोस्तों बात आती है CSP मिलने की, तो CSP मिलने के लिए आपको जो होता है बैंक द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, पूरी तरह से सर्टिफिकेट ये सब मिलने के बाद आपको 10,000 रुपये, जी हाँ 10,000 रुपये मैक्सिमम होता है, 10,000 रुपये आपको देना होगा, जिससे आपका OD अकाउंट, जो कि करेंट अकाउंट होता है, आपके प्राइमरी अकाउंट जो है वो सिस्टम से लिंक होता है CSP से, वही अकाउंट खुलता है, उसमें 10,000 रुपये डाला जाता है, तब वो आपका सिस्टम पूरी तरह से वर्क करने लगेगा। और उसको कुछ भाई होते हैं, जो कुछ व्यूवर्स और सब्सक्राइबर होते हैं, जो अपना इस CSP के चक्कर में जाते हैं और बहुत सारे वेबसाइटों पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना पैन कार्ड ये सब बहुत सारी डिटेल्स भरते हैं, उनके बाद होता क्या है कि उनसे फ़ोन तो आता है, लेकिन वो लोग करते क्या है कि वो अपना अकाउंट नंबर या फिर गूगल पे फ़ोन पे नंबर देकर उनसे बोलते हैं कि आप 10,000 रुपये पेमेंट करिए, आपका OD खाता ओपन होगा, कुछ डिटेल्स ऐसा ऐसा, बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे फंक्शन का PDF फाइल भेजेंगे आपको और आपको परेशान करेंगे ऐसे ऐसे, और कुछ समय बाद 2-3 दिन बाद बोलेंगे कि सर आपके ये लेने के लिए कुछ पढ़ाकर आपको बोलेंगे कि आपका इतना पैसा फिर लगेगा, इतना पेमेंट करिए, ऐसे ऐसे 2-3 बार पेमेंट करा लेंगे, लेकिन आपको CSP प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो दोस्तों CSP प्रोवाइड करने का जेन्युइन तरीका है, कुछ अलग तरीका है, चेंज हो गया है। तो दोस्तों 2022 में CSP लेने का जो है जेन्युइन तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं पर भागेंगे नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों जेन्युइन तरीका जो है आपको 2022 में, आपको सबसे पहले जिस भी बैंक का लेना है, अगर आप गांव से हैं या फिर शहर से हैं, तो अपने आसपास देखिए कि उस बैंक का कोई भी CSP प्रोवाइडर, CSP चलाने वाला संचालक तो नहीं है, कि आपका जैसे स्टेट बैंक है तो आपको स्टेट बैंक चाहिए, तो आपके गांव में कोई स्टेट बैंक का कार्य कर रहा है बंदा CSP का, तो आप वो स्टेट बैंक के चक्कर में मत पड़िए, आप कोई दूसरा बैंक चुनिए, क्योंकि भाई साहब उसको पहले से ही मिला है तो आपको वो मिलने में बहुत परेशानी होगी। और उसको CSP लेने का जो तरीका है, CSP आप लोग बैंक में जाएंगे, अपने जो बैंक के मैनेजर होते हैं ब्रांच में, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, तो आपको वो आप पूरी डिटेल्स और जोनल ऑफिस से कुछ कांटेक्ट और डिटेल्स आपसे लेंगे, फिर वही आपको CSP प्रोवाइड करा सकते हैं, और कोई नहीं इस समय CSP प्रोवाइड कर सकता। आप बहुत सारे वेबसाइटों पर जाएंगे, बहुत सारे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग किसी से साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन ना करें, अगर रजिस्ट्रेशन करती हैं तो आप उसमें कोई भी फीस पेमेंट ना करें, ऑनलाइन पेमेंट ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो में एक छोटी जानकारी, आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक धन्यवाद।